सुबह के 5 बज रहे थे। सूरज उगने ही वाला था। कमरे में से जोर जोर से घंटियों की आवाजें आई जा रही थी। ये आवाजें अलार्म की नहीं बल्कि आरती करते हुए बजने वाली घंटी की थी, जिसे सुबह सुबह ज्योति की दादी पूजा करते हुए बजाया करती थी। वहीं दूसरी तरफ ज्योति अपने कमरे में बड़े ही मजे से सो रही थी, लेकिन जोर जोर से आ रही घंटियों की आवाज ने उसकी नींद खराब कर दी। पूजा स्थल से आ रही आवाज से ज्योति इतनी ज्यादा इरिटेट हो गई कि उसने अपने कानों को तकिए से दबा दिया, लेकिन आवाज इतनी तेज थी कि ज्योति तिलमिलाकर बैठ गई। क्या यार, ये दादी बिना सुबह सुबह शुरू हो जाती है। दादी, क्या दादी, तुम बिना सुबह सुबह शुरू ही हो जाती हो। अगर पूजा करने का इतना ही शौक है ना, तो घंटी आराम से बजाया करो, मेरी पूरी नींद खराब कर दी तुमने। 20 साल की ज्योति पहले ऐसी नहीं थी। वो अपनी दादी से बहुत ज्यादा प्यार करती थी, लेकिन अब वो कुछ उखड़ी उखड़ी सी रहने लगी थी। दरअसल ज्योति के माता पिता की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। माता पिता के देहांत के बाद उसकी दादी ने ही उसे संभाला था। हालांकि उसके माता पिता के पास पैसों की कोई कमी नहीं थी, इसलिए ज्योति को भी कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं हुई, सिवाय अपने माता पिता के। उनके जाने के बाद वो अपना ज्यादातर समय दोस्तों के साथ बिताने लगी। दूसरी तरफ उसकी दादी मीरा लड्डू गोपाल की बहुत बड़ी भक्त थी। जब से उनके बेटे की मृत्यु हुई, तब से वो लड्डू गोपाल को ही अपना सब कुछ मानने लगी थी। उनकी देखभाल करना, उनकी हर एक छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना, सुबह के नाश्ते से लेकर रात के खाने तक, ऐसा कोई पल नहीं था जिसमें वो अपना पूरा समय लड्डू गोपाल के साथ नहीं बिताती थी। रात के 11 बज चुके थे। ज्योति अभी तक घर नहीं लौटी थी। वैसे तो मीरा जी ज्योति पर ज्यादा रोक टोक नहीं करती थी, लेकिन मन के किसी कोने में उन्हें ज्योति की चिंता लगी ही रहती थी। काफी देर तक इंतजार करने के बाद वो सोफे पर बैठी बैठी ही सो गई। जयपुर का कलर बार डिस्को लाइट से जगमगा रहा था। गानों की तेज आवाजें, डिम सी लाइट, नाचना गाना, ऐसा लग रहा था कि आज ही पूरी दुनिया अपने गम मिटाने और खुशियों का जश्न मनाने इस बार में आई हो। वहीं कोने के काउच पर बैठी ज्योति 5 गिलास विस्की के खत्म कर चुकी थी। ये सब उसके लिए आम बात थी। माँ पापा के खत्म होने के बाद उसने अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए इन सब चीजों का सहारा लिया, और वो इन सब में इतना खो गई कि उसे घर पर इंतजार कर रही दादी का ख्याल तक नहीं आया। काउच के पीछे खड़े लड़के काफी देर से ज्योति को देख रहे थे। उनकी नजरें उनकी नीयत बयां कर रही थी। वो धीरे धीरे मौका देखकर ज्योति के पास आ गए। वो ज्योति को अकेला देख उसे छेड़ने लगे। ज्योति अपने पूरे होश में नहीं थी। बची कुची हिम्मत से वो हाथ पाँव यहाँ वहां मारने लगी। तभी अचानक से एक छोटा सा बच्चा, जिसकी उम्र लगभग 6-7 साल रही होगी, वो ज्योति के पास आकर बोला, दीदी चलो ना, पापा बुला रहे हैं आपको। ज्योति को कुछ समझ नहीं आया, पापा, लेकिन वो उठी नहीं। अच्छा सॉरी ना दीदी, आप अभी तक नाराज हो, प्लीज मान जाओ ना। अच्छा तो पापा को बुला कर लाऊं। ज्योति के पास खड़े लड़के डर गए, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि ज्योति अकेली है, और फिर वो पीछे हट गए। ज्योति भी बिना कुछ कहे उस बच्चे के साथ बाहर चली गई। वो होश में नहीं थी, उसे कुछ धुंधला धुंधला नजर आ रहा था। फिर बच्चे ने उसे कैब में बिठा दिया। थोड़ी देर बाद, अरे उठिए मैडम, घर आ गया है। ओह थैंक यू भैया मुझे घर तक छोड़ने के लिए। अचानक से डोर बैल बजी। बैल बजने से मीरा जी नींद से उठी, और उन्होंने जैसे ही दरवाजा खोला तो सामने ज्योति खड़ी थी। रात के 1 बज चुके थे। अरे बेटा कहाँ थी तुम? दादी अंदर आने भी दोगी या यहीं खड़े खड़े सारे सवाल पूछ लोगी? अंदर जाते ही ज्योति दादी के बिना जवाब दिए सो गई। वहीं ज्योति को देख मीरा जी की चिंता अब दूर हो गई थी। मीरा जी सोने से पहले एक बार लड्डू गोपाल को जरूर देखती थी कि कहीं उन्हें कुछ चाहिए तो नहीं। जैसे ही मीरा जी ने मंदिर का पर्दा हटाया, लेकिन ये क्या,
यहां तो लड्डू गोपाल थे ही नहीं। उन्हें अपने पालने में ना पाकर मीरा जी चौंक गई। मेरे लड्डू गोपाल कहां चले गए? ज्योति ज्योति जल्दी उठना, मेरे लड्डू गोपाल पता नहीं कहां चले गए। ज्योति उस दिन कुछ अलग सा महसूस कर रही थी। उसका स्वभाव कुछ अलग सा था। वो थोड़ी पुरानी ज्योति जैसी बातें कर रही थी। उसके शब्दों में दादी के लिए चिंता और प्यार था। काफी देर हो चुकी थी। ज्योति दादी के पास बैठकर उन्हें दिलासा दे रही थी। उस रात दोनों सोफे पर ही सो गए। सुबह उठते ही मीरा जी भागकर मंदिर में गई। अंदर जाते ही वहां उन्होंने जो देखा उसे देखकर वो दंग रह गई। लड्डू गोपाल आराम से अपने पालने में बैठे हुए थे। ज्योति ने जब उन्हें देखा तो पता नहीं क्यों वो भी सकपका गई, क्योंकि लड्डू गोपाल की छवि उसे उस बच्चे की तरह लगी जो उसे बीती रात उस क्लब में मिला था। वही आंखें, वही कपड़े, चेहरे पर वही मुस्कुराहट। ये देख ज्योति सब कुछ समझ गई कि लड्डू गोपाल रात भर कहाँ थे। वो तो उसे ही बचाने गए थे। तब से ज्योति पूरी तरह से बदल गई, अपनी जिम्मेदारियां समझने लगी थी। अब वो भी लड्डू गोपाल को अपना छोटा भाई मानने लगी थी।